हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। TGTE, PGTE, PYQs कहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए करते हैं कुछ बेहतरीन हॉट्स PYQs, मतलब कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। मैं अपने वीडियोस में आपके लिए केवल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। ईजी क्वेश्चंस तो सब लोग कर लेते हैं, मैं डिफ़िकल्ट थोड़े से क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है वाई इज इक्वल्स टू वन ऑफ मोड एक्स अंडर रूट मोड एक्स माइनस एक्स, फलन का डोमेन आपको बताना है, मतलब डोमेन आपको बताना है इस सिस्टम का। सो देखिए क्या रूल लगेगा, क्योंकि रूट के अंदर है। ओके, सो इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। चलिए ग्रेटर देन जीरो के भी डिनोमिनेटर में है, सो मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। अब नॉर्मली देखो तो निगेटिव नंबर अगर आप लेंगे, क्योंकि दो चॉइस है, पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, तो वो पॉजिटिव खुद से कैसे बड़ा होगा। बट यदि आप नेगेटिव नंबर लेंगे तो नेगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड जो मॉड होगा वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। तो करेक्ट आंसर ऑब्जर्वेशन से यहाँ पर कितना आ गया, ओनली नेगेटिव नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। बट यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो एक और मेथड है, पूरा का पूरा लॉजिकली एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए मॉड ऑफ एक्स एक्स में ब्रेक होगा। सो मॉड ऑफ एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, मतलब फर्स्ट केस के लिए एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स इज ग्रेटर देन एक्स जो कि पॉसिबल नहीं है, और एक्स लेस देन जीरो के लिए मॉड एक्स किस में ब्रेक होगा, माइनस एक्स में। सो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, तो माइनस टू एक्स ग्रेटर देन जीरो, सो माइनस टू एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब टू एक्स लेस देन जीरो, तो एक्स इज लेस देन जीरो, मतलब सेकेंड केस के लिए क्या आ रहा है, एक्स इज लेस देन जीरो, तो जो डोमेन डिसाइड होगा वो क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो बनेगा। ओके, सो ये दोनों मेथड से मैंने आपको करके बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन तो बड़ा मस्त क्वेश्चन है, सुपर हॉट्स क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम लगाया इस क्वेश्चन ने सॉल्व होने में। देखिए क्या कह रहा है कि वन प्लस आयोटा अपॉन रूट टू की पावर टू बाई थ्री का एक मान क्या है, आपको बताना है कि इसका एक वैल्यू क्या है। अब एक चीज इसको सॉल्व करेंगे आगे तब आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक ना। देखिए जब किसी भी चीज़ की अपन जैसे आई टू दी पावर वन बाई एन लिखते हो या वन टू दी पावर वन बाई एन, तो इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हो कि आप वन का एंथ रूट निकाल रहे हो। ओके, एंथ रूट, तो एंथ रूट आने वाले तो हैं मगर इसमें सारे के सारे एन रूट्स आपके पास में आएंगे। कितने रूट्स आएंगे, एन रूट, मतलब पहले से लेके दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा एनवा सारे के सारे आएंगे, उसमें से कोई आपका एक आंसर हो सकता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन की जो मानसिकता है वो मैंने बताई है, अभी धीरे धीरे आपको आगे समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में, आगे जब मैं सॉल्व कराऊंगा तब आपको पूरा समझ में आता है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा है कि वन प्लस आई की पावर टू बाई थ्री का एक मान, तो सबसे पहले तो इसको यूलर्स उसमें फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, पोलर फॉर्म में। सो वन अपॉन रूट टू प्लस आई बाई रूट टू, ये भी कन्वर्ट कर लिया, ये भी कर लिया। अब इसको जनरल फॉर्म में लिखो, जनरल फॉर्म में क्या होता है, टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर, ये भी होता है साइन टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर, ठीक है ना। अब क्या करना है यहाँ से, अब यहाँ से आप पाई बाई फोर कॉमन ले लो। क्या करा आपने, पाई बाई फोर कॉमन ले लिया, ये लिया ले मैंने पाई बाई फोर कॉमन, तो पाई बाई फोर कॉमन लेते तो क्या बन गया, एट एन प्लस वन और बाहर पाई बाई फोर। अब देखो जी, सबसे पहले इसका रूल होता है कि सबसे पहले आप न्यूमरेटर को अंदर यूलर्स थ्योरम से, है ना, न्यूमरेटर को अंदर करो। ये देखो टू है ना, तो टू को आपने अंदर किया तो टू पाई बाई फोर, ये भी टू पाई बाई फोर हो गया। कौन सा फॉर्मूला, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन, आयलर थ्योरम, है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई बन के ये बन गया पाई बाई टू और ये भी बन गया पाई बाई टू, ठीक है ना, अच्छी बात है। और अब यहाँ पर पावर 1 बाई थ्री है, मतलब आपके पावर 1 बाई थ्री को अब आप अंदर करो, है ना। तो पावर 1 बाई थ्री मतलब पॉसिबली कितने रूट निकलेंगे, तीन रूट निकलेंगे, n इक्वल टू 1 2 3, है ना, इस तरीके से। सो आपने इसको 1 बाई थ्री को अंदर किया तो 1 बाई थ्री से पाई बाई सिक्स प्लस आई साइन पाई बाई सिक्स, ये हो गया, ठीक है ना, थोड़ा सा जगह ये लो जी, आप दिख रहा होगा, प्लस एट एन प्लस वन साइन पाई बाई सिक्स, बहुत बढ़िया, ये आ चुका है हमारा रिजल्ट। अब हमें जो अपना आंसर मिलान करना है वो एन की अलग अलग पोजीशंस के लिए मिलान करना है। तो सबसे पहले मैं एन की वैल्यू जीरो डालता हूँ, तो क्या हो गया, कॉस पाई बाई सिक्स प्लस आई साइन पाई बाई सिक्स, रूट थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू, तो कितना हो गया, रूट थ्री प्लस आयोटा बाई टू। भाई ऑप्शन में तो कोई नहीं है रूट थ्री प्लस आयोटा बाई टू, ये देख लो रूट थ्री प्लस आयोटा बाई टू कोई नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, एन इक्वल टू वन के लिए डालूंगा, तो एन इक्वल टू वन के लिए एट एन प्लस वन, एट वन जा एट प्लस वन कितना हो गया, नाइन पाई बाई टू, तो कॉस नाइन पाई बाई टू, नाइन पाई बाई सिक्स, सॉरी नाइन पाई बाई सिक्स
तो 9π/6 को यदि आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3π/2, यानी cos 3π/2 प्लस i sin 3π/2। आप सब लोग जानते हो कि cos 3π/2 कितना होता है, 0 होता है, और sin 3π/2 कितना होता है, माइनस का 1 होता है ना जी। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 0 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, 0 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1। ये देखिए वैल्यू लिखी हुई है। ये तो पहला टर्म आपको क्या प्रोड्यूस कर देगा, 0 प्रोड्यूस कर देगा। दूसरा टर्म आपको क्या प्रोड्यूस करेगा, आयोटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, मतलब 0 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया इसका, माइनस आयोटा। इसका करेक्ट आंसर हो गया माइनस आयोटा। तो ये भी आपका यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हॉट्स क्वेश्चन में आगे चलते हैं। ये देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन आपका आ गया है स्टैटिक्स डायनेमिक्स से, है ना। तो डायनेमिक्स स्टैटिक्स लग रही है मेरे को। चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, बहुत सरल सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, इजी क्वेश्चन है ये, हॉट्स नहीं है ये, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आओ भाई करते हैं। ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 9.8। तो ये स्टोन की वेलोसिटी है यू, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जैसे जैसे ये नीचे जाता जाता है तो इसकी एक वर्टिकल वेलोसिटी बनती जाती है, और वो वर्टिकल वेलोसिटी हम फॉर्मूले से निकालते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो फिलहाल नीचे जा रहा है तो वी वाई डायरेक्शन में बनेगी, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी नहीं तो जीरो थी, प्लस जी इंटू टी, एक सेकंड में जी ये लगेगा और एक सेकंड के लिए वन रख दिया, तो कुल मिला के आ गया ये 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि इसका प्रक्षेपण के बाद एक सेकंड के बाद इसका वेग, भाई साहब एक सेकंड के बाद मान लो ये यहाँ पर पहुँच गया, इस पोजिशन पर पहुँच गया यहाँ पर, तो इसका कुल वेग बताना है। तो देखो यहाँ पर दो प्रकार के वेग हैं, एक तो इसका क्षैतिज वेग जिसका नाम है vx, और एक इसका ऊर्ध्वाधर वेग यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी जिसका नाम है vy, और दोनों 90 डिग्री एंगल पे काम कर रहे हैं। vx यहाँ पे काम कर रहा है, vy यहाँ पे काम कर रहा है। आपको निकालना है इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो सो सिंपल, लगा दो भाई साहब फॉर्मूला वेक्टर का, रेजोल्यूशन वाला 90 डिग्री वाला, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, सो सिंपल। सो कितना हो जाएगा, 9.8 का स्क्वायर प्लस 9.8 का स्क्वायर, लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, 9.8 का स्क्वायर प्लस 9.8 का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 9.8√2। ओके, सो कितना आ गया आंसर, 9.8√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए ये क्वेश्चन बच्चों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग एज अ होमवर्क करके लेके आएंगे, लिमिट वाला क्वेश्चन है। आप लोग मेरे को इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसको होमवर्क करके भेजिए, देखता हूँ आपसे बनता है या नहीं बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। ये देखिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन। इफ़ यू इज़ इक्वल्स टू आई कैप इन क्रॉस ए क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस ए क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस ए क्रॉस के कैप, तो आपको यू वेक्टर की वैल्यू, मतलब इसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज़ तो है कि कुछ बच्चे रिजल्ट याद रख करके जाते हैं, जैसे मुझे भी याद है इसका रिजल्ट, इसका आंसर आता है 2a। ओके, इसका आंसर आता है क्या, 2a, ए वेक्टर है तो इसका आंसर आता है 2a, इसको आप याद कर सकते हो। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप ए वेक्टर को ही मान लो, तो ए वेक्टर आपने मान लिया कितना, a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, ये आपने वेक्टर मान लिया। अब आपको क्या करना है, आपको u निकालनी है, i क्रॉस a क्रॉस i कैप प्लस j क्रॉस a क्रॉस j कैप प्लस k क्रॉस a क्रॉस k कैप, ये आपको जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे वैल्यू, चलो देखो, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, इस क्वेश्चन को अपन ने लिख लिया a i क्रॉस a क्रॉस i कैप प्लस j क्रॉस a क्रॉस j कैप प्लस k क्रॉस a क्रॉस k कैप। अब आपको पता है कि a क्रॉस b क्रॉस c का फॉर्मूला पहले c के साथ जाता है, डॉट में होता है, b बाहर बैठता है, b के साथ जाता है a, तो अपन a एक निकाल लेते हैं, बिल्कुल उससे आइडिया लग जाएगा। तो i डॉट i a वेक्टर माइनस i डॉट a i वेक्टर, i बाहर रहेगा, ठीक है ना। तो i डॉट a कितना हो गया 1, ये हो गया a, और इधर पे कितना आ जाएगा, देखो इसका आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जी और के वाले तो जीरो हो जाएंगे, केवल क्या बनेगा a1i। तो बस आ गया खेल खत्म, a-a1i a-a2j सेकंड वाले के लिए, और थर्ड वाले के लिए a-a3k। आपको क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, तो a+a+a कितना हो गया 3a, और माइनस करके हो गया a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, तो फिर बचा क्या, कुछ नहीं बचा, 3a वेक्टर माइनस a वेक्टर, आंसर कितना आ जाएगा 2a वेक्टर। तो ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब फेमस वाला टाइप का क्वेश्चन है ये, और कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इसकी तैयारी करके ले जाइएगा। ओके, सो करेक्ट आंसर एक बार फिर से बता दूं क्या है दोस्तों, 2a इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन होता है ये। द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन
फ्रॉम द पॉइंट वन टू टू द एलिप्स, ये तो भैया आपको मतलब कोई एलिप्स है, ये ऐसा एलिप्स है और आपके पास बाहर कोई पॉइंट बैठा हुआ है क्या, पॉइंट का नाम क्या है, वन कॉमा टू, आपको कह रहा है कि इस एलिप्स पर आपने टेंजेंट खींचनी है। चलो भाई बहुत सही है, टेंजेंट खींच दिया। अब टेंजेंट खींचोगे तो आपको काय की इक्वेशन मिल जाएगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद आपको इनके बीच का एंगल निकालना है। तो आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एंगल का फॉर्मूला तो जानते होगे ना, टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। बट उसके पहले आपको क्या चाहिए, आपको इसके पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए जो कि उसकी टेंजेंट के पेयर है, मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन। तो पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन याद रख लो क्या होता है, एस एस वन इक्वल टू टी का स्क्वायर। एस क्या होता है, वही ओरिजिनल इक्वेशन ये जो है ना, एस यही ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है ना, एस यही जो है ये ओरिजिनल इक्वेशन होती है। तो चलो मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ आपकी कैसे लिखते हैं। तो यही ओरिजिनल, इसको मैं रफ़ कर दूँ, आपके पास इक्वेशन क्या है, एस एस वन इक्वल टू टी का स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ मैं थोड़ा सा रफ़ करके अब मैं लिख देता हूँ जिससे आप लोग को समझ में आ जाए कि होता कैसे ये कार्यक्रम। तो भैया सबसे पहले एस लिख दो, तो एस कितना आपके पास में, एस है आपके पास में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस फाइव, है ना, राइट साइड में जीरो बनाना पड़ता है, ये हो गया एस। एस वन क्या होता है, एस वन होता है कि आप जो है इसमें इस वाले लेफ्ट वाले पार्ट में वैल्यू पुट कर दो, है ना। एस वन जो हुआ करता है वो ये होता है कि आप जो इसका लेफ्ट वाला पार्ट है इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो लेफ्ट कौन सी वैल्यू पुट करोगे, देखो लेफ्ट वाले पार्ट में आपको वैल्यू पुट करना है, कौन सी वैल्यू है, थ्री वन कॉमा टू, जिस पॉइंट से आप खींच रहे हो। तो वन कॉमा टू आपको डालना है किसमें, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू फाइव के लेफ्ट पार्ट में, मतलब इतने में। तो चलो मैं पुट करता हूँ, तो वन कॉमा टू पुट करूँगा तो थ्री इंटू टू, है ना, सॉरी माइनस फाइव इधर बना लो, माइनस फाइव इक्वल टू जीरो कर लो। हाँ, ये जो पार्ट कहलाता है इसको बोलते हैं अपन एस इक्वल टू जीरो, और जब वैल्यू पुट कर दो इसी में तो ये बन जाता है एस वन, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करता हूँ, देखो कैसे बनेगा वैल्यू पुट करने के बाद। सो थ्री वाई का स्क्वायर, तो थ्री कितना है, वाई कितना है, टू है ना, थ्री एक्स है, सॉरी थ्री एक्स है, गलती हो गई देखने में, थ्री एक्स है। सो थ्री वन जा थ्री हो गया, बहुत बढ़िया। और फिर कितना हो गया आपके पास, टू वाई का स्क्वायर, तो वाई कितना है अपने पास, टू, तो टू फोर जा एट हो गया, और माइनस का पाँच कर लो क्योंकि पाँच है, आठ तीन ग्यारह और ग्यारह में से पाँच गए, बोलो कितना आ गया, छः। तो ये रख दिया मैंने जी छः, ओके ये रख दिया मैंने छः। अब इसके बाद अपना होता है टेंजेंट का इक्वेशन। तो टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट का इक्वेशन होता है कि जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ एक्स एक्स वन आएगा और जहाँ वाई स्क्वायर है वहाँ वाई वाई वन आएगा। तो थ्री है, थ्री एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, तो एक्स वन कितना है, वन, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो थ्री एक्स स्क्वायर है तो थ्री तो थ्री ही रहेगा, एक्स ऐसे समझो थ्री एक्स स्क्वायर है तो थ्री एक्स की जगह आएगा एक्स एक्स वन, और एक्स वन क्या है आपका, वन है, तो थ्री वन जा थ्री, तो मतलब आ गया ये थ्री एक्स। फिर वाई टू वाई स्क्वायर है तो टू वाई वाई वन, वाई वन कितना, टू है, तो फिर टू टू जा कितना हो गया, फोर वाई, और लास्ट में फाइव को ले आना इक्वल टू कितना, जीरो, ना ना ना, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, जीरो नहीं होता, एस एस वन इक्वल टू टी का स्क्वायर, मतलब ये इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। मतलब बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, अगर आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन देने जा रहे हैं तो मैं इसको कहूँगा इसको अवॉइड करो, मेथड तो मैंने बता दी है मगर कोशिश करो कि इसको अपन को ना करना पड़े। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दो, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, बस हो गया, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, है ना। और फाइनली आपके पास इक्वेशन ये आएगी बाद में, आपके पास सॉल्व हो करके जो मैंने लिखी यहाँ पे, क्या इक्वेशन बन रही है आपके पास में, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स वाई प्लस थर्टी एक्स, ओके, प्लस फोर्टी वाई माइनस फिफ्टी फाइव इक्वल टू जीरो। ये आपके पास पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन हो चुकी है। अब पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो टेन थीटा इक्वल टू टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है, ओके। तो यहाँ सारी वैल्यू निकाल लो, काम की आपके ए है नाइन हो गई, बी कितनी है माइनस फोर, और टू एच स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है वो टू एच से कंपेयर करने पर कितना होता है, माइनस ट्वेंटी फोर, तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ट्वेल्व, ठीक है ना। अगर आपको स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं पता है यार तो लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये टू डिग्री स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला है, टू डिग्री स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। बहुत बढ़िया हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन भाई साहब, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है।
ओके सो ऊपर वाले की बात एक बार फिर से कर लें, देख लो एक बार कहीं पर कोई दिक्कत हो तो। आई होप आपने सबने कर लिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स माइनस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई तो चलिए गाइज इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अगर आपके पास जो है आर्ग्यूमेंट जो है निकालना है आपको इस चीज का, और कंडीशन क्या दी गई है, व्हेन मॉड वाई अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन वन। कैसे करेंगे? सबसे पहले गिवन फंक्शन को आप क्या करो, रेशनलाइज कर दो। यहाँ पे आप रेशनलाइज कर दोगे तो एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई ये नीचे है तो एक्स प्लस आई वाई का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन के आ गया। ओके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई क्या दिया है कि मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स जो है ग्रेटर देन वन है, मतलब न्यूमेरिकली जो y की वैल्यू होगी वो x से ज़्यादा होगी, तो y स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, x से ग्रेटर होगा, है ना। तो y स्क्वायर बड़ा होगा तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और ये वाली चीज़ कैसे काउंट होगी, ये वाली चीज़ एज अ पॉजिटिव काउंट होगी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ निगेटिव हो जाएगी और ये वाली चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। अगर निगेटिव और पॉजिटिव के पेयर बनते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस में लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब इसके लिए हम सबसे पहले थीटा निकाल लेते हैं, तो थीटा आप जानते हैं थीटा इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स। ओके थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो वाई की जगह यहाँ पे टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए डिनोमिनेटर और आपके पास फंक्शन ही आ गया टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। यहाँ पर हमने एक चीज़ और करी है, यहाँ पर हमने पूरे में एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया है, तो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का, ये आ गया है थीटा। अब आप जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है वो कितना होता है, पाई माइनस थीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू पाई माइनस टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन जाएगा, पाई माइनस टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। चलिए अगला क्वेश्चन। भाई इस क्वेश्चन में तो बहुत लोगों ने गलती करी है, बहुत लोगों ने, तो मैं इसको पक्का हॉट्स कहूँगा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो भाई क्या करना है इसमें, क्या कह रहा, ताश के गड्डी में से दो पत्ती यदृच्छाए निकाली जाती, मतलब रैंडमली आपने दो कार्ड ड्रॉन किए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, उसमें से एक पत्ती हुकुम है और दूसरी पत्ती इक्का हो, मतलब एक पत्ती हुकुम है और दूसरी, तो सबसे पहले दो पत्ती आपने एक साथ निकाली तो सैंपल स्पेस कितना बन गया, 52C2। ओके 52C2। अब देखो भाई साहब पहली पत्ती हुकुम है, ओके पहली पत्ती आपकी क्या है, पहली पत्ती आपकी हुकुम है, तो यदि पहली पत्ती आपकी हुकुम है तो टोटल आपके पास हुकुम के कितने कार्ड हैं, 13 कार्ड हैं। ओके 13 कार्ड हैं और आपके पास इक्के कितने हैं, 4 इक्के हैं, तो 4 इक्के हैं तो आप इसको 4C1 मान के चलो। ओके अपॉन 52C2, ठीक है ना। अब इसमें एक मिस्टेक हो जाएगी, एक मिस्टेक क्या है, एक मिस्टेक ये है कि अगर आपके पास 13 पत्ते हुकुम के हैं और ऑलरेडी एक पत्ता ऑलरेडी हुकुम यानी कि स्पेड का होता है, ओके क्लब का सॉरी, एक इक्का जो होता है ऑलरेडी एक क्लब का होता है, तो यदि आप इस तरीके से करते हो तो ए क्रॉस ए मतलब एक केस रिपीट हो रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर से भी इक्का आ गया और इधर से भी इक्का आ गया, मतलब ये केस जो है इसमें एक एक्स्ट्रा ओवरलैप हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है, तो उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। तो करेक्ट कितना हो जाएगा, -1 केसेस आउट ऑफ 52 C2। तो इसको सॉल्व कर लिया, सो कितना होगा, 13 × 4 × 2 / 51 × 52 / 52। अब यहाँ से आपने कॉमन ले लेना है 2 / 51 / 52 को, तो 52 बाहर आ जाएगा, है ना, और 51 से 51 कैंसिल हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लिए, 51 से 51 कैंसिल, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया, 1/26। ओके तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो बनेगा भाई साहब 1/26 इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बहुत सारे लोगों ने आंसर गलत दिए थे, कोई 1/34 कह रहा था, कोई 2/51, बट यही इसका करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे से करिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं यहाँ पर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको दिख रहा है, कह रहा है 0 से लेकर m तक NCR n+RCN की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर m तक यहाँ तक मूव कर रही है, तो क्या करना है आप देखो, 0 से लेकर m तक है ना, तो आप बस R की वैल्यू पुट करते जाओ, तो R की वैल्यू पुट करोगे 0 तो कितना आएगा, NCN + n+1CN, ओके फिर n+2CN इस तरीके से m। अब एक चीज़ देखो भाई, मैं इस NCN को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ n+1CN+1
और ये एन प्लस वन सी एन, मतलब दो पेयर बन गया शुरू के, स्टार्ट के ये दोनों को जोड़े में ले लिया अपन ने। ओके क्या करा था मैंने, एन सी एन को, भाई एन सी एन कितना होता है, वन होता है ना, एन सी एन कितना होता है वन, और इसको मैं एन प्लस वन सी एन प्लस वन लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस मेरा काम बन जाएगा। तो फिर फॉर्मूला लगाओ, एन एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, तो क्या होता है एन सी आर, एन प्लस वन सी आर प्लस वन आ जाता है ना। तो देखो ये चीज़ देखा करो, ये तो दोनों का सेम होना चाहिए और एक कम और एक ज़्यादा, तो क्या होता है ऊपर वाले में एक ऐड हो जाता है और नीचे वाले में जो ज़्यादा वाला होता है वो आ जाता है ना, जो ज़्यादा वाला होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऊपर में एक ऐड हो गया एन प्लस टू और नीचे वाले में जो ज़्यादा वाला है, कौन सा ज़्यादा वाला, एन प्लस वन, तो एन सी टू प्लस एन सी वन, ये आ गया, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो भाई, अगला क्या है, एन प्लस टू सी एन, एन प्लस टू सी एन, तो ये ज़्यादा वाला है और ये कम वाला है, तो ये दोनों कम्बाइंड होकर क्या जनरेट कर देंगे, एन प्लस थ्री और सी एन प्लस वन। फिर अगला क्या, एन प्लस थ्री सी एन, तो फिर से क्या जनरेट कर देंगे, एन प्लस फोर, और सी कितना हो जाएगा अपने पास में, सी अपने पास में आ जाएगा एन प्लस वन, ठीक ना। ऐसे करते 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 क्या है, लास्ट में चलते 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 एन प्लस एम आ रहा है और सी एन है, तो क्या आएगा फाइनल आंसर आपका, एन प्लस एम प्लस वन। ओके और डिनोमिनेटर में ज़्यादा वाला पार्ट आएगा, तो ज़्यादा वाला पार्ट इसके पीछे रहा होगा सी एन प्लस वन, तो यही आंसर होगा इसका, एन प्लस एम प्लस वन, एन प्लस एम प्लस वन सी एन प्लस वन। तो भैया इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, अच्छे से कर लिया हम लोगों ने, बहुत बढ़िया। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी यहाँ पे एक फोटो में गलती हो गई है। द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, भाई साहब अगर नो सोल्यूशन है तो किसी भी सिस्टम के, देन क्या होता है इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। अगर कोई नो सोल्यूशन है तो सिस्टम के डिटर्मिनेंट कितना होता है, जीरो। तो ये बेटा इसका डिटर्मिनेंट अब जीरो कर दो, तो डिटर्मिनेंट जीरो करने पर अब देखो पॉसिबल आंसर क्या मिल रहे हैं अपने पास, एक है माइनस टू एक है माइनस वन। यार ये थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं अपन इसको, तो ऑप्शन में माइनस टू है माइनस वन है जीरो है वन है, तो इसको सिंपली सॉल्व कर लिया, लैम्डा प्लस टू कॉमन ले लिया, और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास लैम्डा इक्वल टू जीरो, लैम्डा इक्वल टू टू, लैम्डा इक्वल टू माइनस टू। तो यार एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, दो ऑप्शन ओवरलैप हो रहे हैं, एक जीरो और एक माइनस टू, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन स्किप करेंगे अपन, क्योंकि सॉल्व करने पर आपके पास में लैम्डा इक्वल टू जीरो, लैम्डा इक्वल टू टू और लैम्डा इक्वल टू माइनस टू, मतलब तीन केसेस यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं ना, और अपने पास में ऑप्शन में एक ही आंसर अपन को देना है, बट आंसर यहाँ पे दो मैच कर रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। चलो आप लोग करके बताओ, शायद कोई मिस्टेक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ खैर बिल्कुल सही है। तो नो सोल्यूशन के लिए एक कंडीशन तो ये होती है कि जैसे कोई आपके पास मैट्रिक्स है ना, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू अगर जीरो हो जाएगा तो इसके नो सोल्यूशंस आपको मिलते हैं, है ना, इसके नो सोल्यूशन आपको मिलते हैं। तो चलिए इसको करिए, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको आप लोग बनाइए एक बार और बताइए यदि इसमें कुछ हो सकता है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे सामने है अगला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि द एक्सप्रेशन 12 अपॉन 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू, अब ऑप्शन में देखिए यहाँ पे रूट 5 प्लस में है, यहाँ पे रूट 5 प्लस में है, इसमें रूट 5 माइनस में है, इसमें रूट 5 माइनस में है। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं कि या हम रूट 5 को माइनस लेकर रेशनलाइज करें या 2 रूट 2 को। तो एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं और रूट 5 माइनस 2 रूट 2 को पहले करके देख लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, रूट 5 प्लस 2 रूट 2 को रूट 5 माइनस 2 रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे a प्लस बी और a माइनस बी की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो a प्लस बी यानी कि 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, जो कि 5 प्लस 3 8 सॉरी 5 प्लस 9 आपका 14 प्लस 6 रूट 5 माइनस 8, और ऊपर तो ऐसे चलने दो, नीचे 14 में से 8 गए 6, 6 कॉमन ले लिया, ऊपर से 12 कॉमन आ गया है, ओके दो बार कैंसिल कर दिया, और इसके बाद इसको ऊपर पूरा ओपन ओवर कर लो, आप ओपन कर लो, सो आपके पास आंसर आएगा 1 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2 माइनस रूट 10। सो 1 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2 माइनस रूट 10 इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कि रेशनलाइज हम किस हिस्से को लेके करें। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, ओके बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इफ द इक्वेशन लैम्डा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस लैम्डा एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हैज़ डिस्टिंक्ट रूट। तो भाई डिस्टिंक्ट रूट के लिए क्लियर कंडीशन है डी ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे डी ग्रेटर देन जीरो यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। अब बी स्क्वायर, बी कितना है माइनस फाइव माइनस लैम्डा और माइनस बाहर है, तो ये स्क्वायर होल ए सी लगा दीजिए और सॉल्व करके आपके पास आएगा लैम्डा माइनस वन और लैम्डा माइनस थर्टीन ग्रेटर देन जीरो।
आपके पास देखो क्या है, ये है 1, ये बन जाएगा 13, और ग्रेटर देन 0 यानी प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो दो कंडीशन बनेगी, एक लैम्डा लेस देन 1 ओके एंड 13 से बड़ा, तो दो कंडीशन आएगी, ये वाला सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था खतरनाक टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन स्टैटिक्स से है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, अच्छा लगा ये क्वेश्चन मुझे, अब मैं आपको करा रहा हूँ। कह रहा है इफ़ ए बी एंड बी सी आर द टू स्ट्रिंग्स, ए बी और बी सी दो स्ट्रिंग हैं 9 मीटर एंड 12 मीटर, तो ए बी जो है 9 मीटर की है, ये देखो आपकी दिख रही है 9 मीटर की है, और बी सी जो है कितनी की, तो 12 मीटर की है ना, अटैच टू द पेग बी एंड सी है ना, और ये जो है एक पेग बी और एक पेग सी से कनेक्टेड है, ठीक है। हाँ इन एक मिनट पूरा क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा ये। हाँ जी, ए बी एंड बी सी आर द टू स्ट्रिंग 9 मीटर 12 मीटर, एक 2 मीटर 9 मीटर की 12 मीटर की है, और बी और सी से कनेक्टेड है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन 15 मीटर, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैंने शायद गड़बड़ बना दिया डायग्राम है ना, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन 15 मीटर अपार्ट में बी और सी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक्चुअली बी होना था और यहाँ पे सी होना था, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो अपन सॉल्व कर लेंगे ओके। तो उसको थोड़ा चेंज कर दिया हम लोगों ने बी और सी को, देख लीजिएगा यहाँ पर मैंने बी बना दिया है और यहाँ पर मैंने सी बना दिया। आगे पढ़ते हैं कि 15 मीटर पार्ट पे हैं है ना, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन वेट 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए। अब कह रहा है कि अगर ए से, अब ये बी सी है तो एक्चुअली ये क्या होगा, ये ए यहाँ पे आ जाएगा है ना, कह रहा है ए से अगर वेट आपने 10 किलोग्राम का सस्पेंड किया तो बताओ कितना आपका टेंशन होगा। तो भाई लामीज थ्योरम लगा दीजिए, लामीज थ्योरम में ये देखो, अब ये 9 है, ये 12 है, ये 15 है, इसका मतलब सब तीनों तो आपको चीज़ें दी गई हैं, एक 9 है, एक 12 है, 15 है, तो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है 9, 12 और 15 का। आप करके देख सकते हैं, ये 225 होता है और ये 144 होता है और ये इसका स्क्वायर कितना होता है 81 है ना, तो ये 81 यदि आप इसमें जोड़ देते हैं तो, और 14, 8, 22 और 7, 4, 11 की एक 14, 8, 22 हो गया ना, एक मिनट, 144 और 81 जोड़ना है ना, हाँ 5 और 14, 8 बस बिल्कुल सही। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है, मतलब सबसे बड़ी साइड 15 के सामने क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चलो तो 15 के सामने 90 डिग्री का एंगल बना लिया, अब आपको क्या निकालना है, ये 10 किलोग्राम है ओके, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स के सामने जो एंगल होता है ओके, तो T1 ये है और T1 के सामने का एंगल क्या बनेगा, साइन सी, ठीक है ना। दूसरा T2 कहाँ बन रहा है, T2 ये है, तो T2 के सामने का एंगल यहाँ पर साइन बी बन जाएगा ओके। और दूसरा क्या है अपने पास, 10 किलोग्राम, ये 10 किलोग्राम है, तो 10 किलोग्राम का अपोजिट एंगल साइन 90 बन जाएगा। बाकी सब कुछ सही है, थोड़ा सा ए बी सी डी में गलती कर दी थी, उसको मैंने सही कर दिया। अब चलिए अपन को T1 निकालना है, तो 10 अपॉन साइन 90, ये तो सब कुछ आ चुका है, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं अपन, तो T1 अपॉन साइन सी इक्वल टू 10 अपॉन साइन 90, साइन 91 हो गया, तो T1 इक्वल टू 10 इंटू साइन सी, साइन सी निकालना है इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, तो साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया 9 और हाइपोटेनस हो गया 15, तो 9/15 पहला कितना आ गया 6 न्यूटन, मतलब जो T1 टेंशन है वो कितनी है, 6 न्यूटन की टेंशन T1 में लग रही है। अब T2 टेंशन निकालते हैं, तो T2 टेंशन के लिए वही T2 अपॉन साइन बी ओके, T2 अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 90, तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा ना, हाँ बी लिखना है, तो साइन बी इक्वल टू इसके लिए परपेंडिकुलर 12 है और बेस हाइपोटेनस कितना 15, तो 10 इंटू 12 बाई 15 बस हो गया, तो आंसर आ गया 8 न्यूटन, तो दोनों फोर्स क्या बनेंगे, 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। तो ये फिनिश हो गया यार, क्वेश्चन इजी था, मस्त कर लिया हम लोगों ने ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी पर बेस दिया हुआ है। कर C1 माइनस 2C2 माइनस 3C3, यार इस चीज़ को देख के 2C2 को देखकर मुझे समझ में आ गया डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो मैंने क्या उठाया, मैंने उठाया 1 माइनस एक्स की पावर n से क्वेश्चन को उठाता हूँ मैं, तो ये एक्सपेंशन होती है 1 माइनस एक्स की पावर n की। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना आ गया माइनस C1, बट देखो ध्यान से मुझे प्लस C1 चाहिए, और 2C2 माइनस 3C3 एक्स स्क्वायर ये ठीक है। मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो n 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 और x की, x का कितना माइनस 1 आ जाएगा, ये सब कुछ हो गया। अब मैंने इसमें x की जगह में 1 डाल दिया, x की जगह में जैसे मैं 1 डालता हूँ मैं, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, n इंटू 0 की पावर कुछ भी हो जाएगा 1 ही हो जाएगा और माइनस 1, तो कितना माइनस C1 प्लस 2C2 माइनस 3C3 4C4 ये हो गया। अब आप क्या करना है, आपको पूरे को डिवाइड करना है माइनस 1 से, पूरे को किससे डिवाइड कर दो, माइनस 1 से, तो क्या बन जाएगा 0, आपने माइनस 1 से डिवाइड कर दिया है यहाँ पे,
तो देखो जीरो की पावर कुछ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो है, तो ये तो जीरो हो चुका है, ये क्या बन गया सी वन माइनस टू सी टू, इतना 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 माइनस वन की पावर एन माइनस वन एन सी वन, आई एंड आई होप यही निकालना था, हाँ बिल्कुल यही निकालना था। तो आपने क्या कर दिया, माइनस वन से डिवाइड कर दिया है ना, तो माइनस वन से डिवाइड कर दोगे। वैसे आप सोचोगे सर माइनस वन से मल्टीप्लाई, तो देखो माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन की पावर एन प्लस वन, बट जो ऑप्शन आपको दिया ना वो माइनस वन की पावर एन माइनस वन में दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड करना पसंद किया है ना, ये देखो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, देखो क्योंकि ऑप्शन जो है उसमें माइनस वन की पावर एन माइनस वन की फॉर्म में दिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कितना आ चुका है, जीरो आ चुका है। बढ़िया क्वेश्चन था ये, सिंपल क्वेश्चन था। ओके गाइज, चलिए तो ये जो है इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में थोड़ी डाउटफुल स्थिति है, इसको आप लोग करके मेरे को सॉल्व करके बताएंगे, ये थोड़ा सा डाउटफुल पोजीशन में मेरे को क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है, इफ़ ए बी सी आर थ्री पॉजिटिव अनइक्वल नंबर आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो इनमें से कौन सा सही है। तो मैंने नंबर मान लिए ए वन, बी वन बाई टू और सी वन बाई थ्री, बिकॉज अगर ए बी सी वन टू थ्री ए पी में है, वन टू थ्री अगर ए पी में होते हैं तो इनका रेसिप्रोकल वन अपॉन वन, वन अपॉन टू और वन अपॉन थ्री किस में होते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं, ठीक है। तो अपन ने इसको एच पी में ले लिया है, और इसके बाद मैंने पहला ही ऑप्शन उठाया, तो वन का पावर फाइव वन हो गया, और थ्री की पावर फाइव कितना, वन टू फोर्टी थ्री, इट शुड बी ग्रेटर देन थ्री इंटू बी यानी वन अपॉन टू की पावर फाइव, तो थ्री अपॉन थर्टी टू, सो ये कितना हो गया, टू फोर्टी फोर अपॉन टू फोर्टी थ्री ग्रेटर देन थ्री बाई थर्टी टू। तो भाई बिल्कुल सही बात है, टू फोर्टी फोर अपॉन टू फोर्टी थ्री यदि आप डिवाइड करते हो तो थ्री बाई थर्टी टू से ज़्यादा ही आएगा, बिकॉज ये वन पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जीरो पॉइंट समथिंग, और ये कम आएगा। चलिए एक बार इसको कैलकुलेटर में चेक कर लेता हूँ मैं कि कितना क्या फ़र्क है। अब गाइज इसमें चेक का करना, देखिए 244 बाई 243 है, तो ये तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सीधी सी बात है, मतलब पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से इसका सही है, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, बट कई सारे ऑप्शंस इसमें आ रहे हैं तो आप लोग देख लेना। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन भी बी दिया हुआ है, तो बी में भी सही आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा इसको देख के बताइए मुझे क्या है, क्या डाउट आपको क्या लगता है, प्लीज़ बताइए। भाई साहब अगला क्वेश्चन तो बहुत ही कातिल क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें अजम्पशन करना आपको, देखो क्या है, उमंग अकेला काम, इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी वाले पढ़ लो, उमंग कैन बिल्ड अ हाउस अलोन इन 16 डेज बट राज अलोन कैन बिल्ड हाउस इन 12 डेज, उमंग एंड राज वर्क ऑन द अल्टरनेट डेज, इफ उमंग वर्क ऑन द फर्स्ट डे द हाउस विल बी बिल्ड ऑन हाउ मेनी डेज। देखो भाई उमंग जो है 16 दिन में काम को पूरा कर लेता, मतलब उमंग के 16 डेज का वन यूनिट वर्क है और राज के 12 डेज का वन यूनिट वर्क है। मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों की एलसीएम ले लेता हूँ, उससे मेरे को कुछ पता चल जाएगा। तो मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, 16 डे का और 12 डे का, तो कितना आ गया 48 डेज। तो अब अपने ऐसा मान के चलते हैं कि उमंग जो है, उमंग और ये दोनों मिलकर के अगर 48 डेज में काम को पूरा करते हैं, यहाँ पे क्या मतलब, अपन सपोज कर रहे हैं सी कि अगर ये दोनों मिलकर के 48 डेज में काम को पूरा कर रहे हैं तो उमंग जो है, उमंग जो है 16 दिन के काम को अगर 48 डेज में कर रहा है, ओके 16 दिन के काम को अगर 48 डेज में कर रहा है ना, मतलब टोटल ये अपने पास क्या हो गया, 16 डेज और 12 डेज का काम है, अपन ने इसको 48 डेज में मतलब ये जो है अगर अकेले काम करता तो 16 दिन में कर लेता, अगर ये अगर राज, क्या नाम है, राज है ना इसका, हाँ राज अगर अकेले करता तो इसको 12 दिन में कर लेता। तो हमने इनकी म्यूचुअल एक्सपेक्टेंस एक तरीके से निकाली कि अगर ये दोनों लोग मिलकर के काम करते हैं, दोनों लोग मिलकर के काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे इनको, इनको 48 डेज लगेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए आपको पता है कि उमंग के 16 दिन का काम कितने यूनिट है, एक यूनिट है, मतलब उमंग जो है 16 दिन में एक यूनिट करता है, तो इस तरीके से 48 डेज जो जाएंगे उसमें उमंग कितना काम कर लेगा, 48 डेज जो बनेंगे उसमें उमंग कितना काम कर लेगा, 3 यूनिट काम कर लेगा, मतलब उमंग के 3 यूनिट्स बन जाएंगे 48 डेज में, क्योंकि 16 डेज में 1 यूनिट बन रहा, मतलब 48 डेज में 3 यूनिट काम कर लेगा, और इसके 12 डेज में कितने यूनिट बन जाएंगे, सॉरी 12 डेज के हिसाब से राज के कितने यूनिट बन जाएंगे, 4 यूनिट। देखो 3 यूनिट काम मतलब 3 बार घर बना देना, और 4 यूनिट काम मतलब 4 बार घर बना देना, मगर हमको 3 बार और 4 बार घर नहीं बनवाना है, है ना, हमने केवल पता कर लिया कि इनकी 48 डेज में इसकी 3 यूनिट काम की हो जाएंगी और इसकी 4 यूनिट काम की हो जाएंगी, ठीक है ना। हाँ तो मतलब 12 डेज के हिसाब से ये क्षमता किसकी ज़्यादा है, इसकी राज्य की क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि राज्य जो है
राज 48 डेज में 4 यूनिट काम कर लेगा, मतलब 4 घर बना देगा, ऐसे भी समझ सकते हो। तो उमंग के एक दिन का काम है ना, उमंग के एक दिन का काम 3 यूनिट और राज के एक दिन का काम 4 यूनिट, कैसे बताता हूँ आपको। सॉरी बच्चों, यहाँ पे इसको यूनिट कर लीजिएगा, यहाँ पे यूनिट रहेगा, ओके 16। और तो अब ऐसा समझो, देखो इसके उमंग के 16 दिन का काम जो है उसके हिसाब से 40 यूनिट कंप्लीट करना है। तो उमंग की टोटल 16 दिन के हिसाब से मतलब ईच डे की कितनी यूनिट बनेगी, 3 यूनिट ईच डे, और राज की ईच डे की कितनी यूनिट बनेगी, 4 यूनिट्स, तब जा करके 48 यूनिट्स का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब चलो यही उमंग शुरुआत करता है तो 2 दिन में कितना काम होगा, तो उमंग की एक दिन की 3 यूनिट, राज की अगले दिन की 4 यूनिट, यानी 3 और 4 कितनी हो गई, 7 यूनिट। तो 2 दिन की 7 यूनिट बन चुकी हैं, ओके 2 दिन की कितनी बन चुकी, 7 यूनिट। तो ऐसे 12 दिन की, क्योंकि 2 दिन मतलब एक जोड़ा, तो 12 दिन में कितने बनेंगे, 6 जोड़े। तो 6 जोड़े के 7 गुणे 6 कितना बना, 42 यूनिट काम हो गया, ओके। मतलब 12 दिन में फर्स्ट 12 डेज में कितना यूनिट काम हो गया, 42 यूनिट। अभी भी बट बची हुई है क्योंकि अपन को टोटल कितने यूनिट, 48 यूनिट, यानी कि 6 यूनिट चाहिए। तो लेफ्ट वर्क देखते हैं, 48 यूनिट चाहिए, तो 48 में से 42 यूनिट गया, मतलब 6 यूनिट। अब 6 यूनिट में उमंग काम कर चुका है, राज काम कर चुका है, अब किसकी बारी आएगी, उमंग की। तो उमंग कितना काम करेगा, 3 यूनिट एक डे। तो अभी तेरे पास कितना हो गया था, 42 हो गया था, 3 जुड़ गया, तो हो गया कितना, 45, ओके। अब राज की बारी आने वाली है, बट आपको कितना काम चाहिए है, 3 यूनिट काम चाहिए। तो राज की क्षमता कितनी है, 4, तो कितना टाइम लगेगा, 3/4 समय लगेगा, ओके 3/4 समय लगेगा। सो टोटल डेज कितने हो गए, शुरुआत के 12 दिनों के अपना फर्स्ट हो गई 12 यूनिट, 12 डेज हो गए, 12 दिन टोटल डेज पूछे गए ना, हाँ। तो पहले 12 दिन और फिर एक दिन और 3/4 डेज, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, 13 डेज टू 3/4, ठीक ना। इसको ऐसे भी कर सकते हो, शॉर्ट में मैंने किया है, 16 डेज इसका है, 12 डेज इसका है, टोटल आपका वर्क मान लो 48 यूनिट्स का है, एलसीएम ले लिया, 48 यूनिट्स का वर्क है। तो क्योंकि इसकी एक यूनिट जो है 16 की है, तो 48 यूनिट्स जो हैं, एक यूनिट इसकी जो है 3 यूनिट के हिसाब से कितनी बन जाएंगी, 48 यूनिट, क्योंकि इसका एक जो काम है, क्योंकि ये 16 डेज में 48 यूनिट कंप्लीट कर रहा है, तो पर डे की इसकी यूनिट कितनी बन गई, 3 यूनिट हो गई, 48/16, ठीक है ना, 3 यूनिट। ऐसे ही इसकी 4 यूनिट हो गई हैं। अब चलो काम करवाते हैं, तो 7, पहले 2 दिन का काम कितना, 3 और 4 7 हो गया, 7 गुणे 6 42 यूनिट, यानी कि 12 दिन का काम हो गया। 12 के बाद एक लेफ्ट यूनिट 6 बची है, तो 3 और 3 6, तो पहले वाले ने 3 यूनिट का काम कर दिया उमंग ने, और फिर 4 ये हो गया, तो आंसर टोटल 12+1+3/4 दे, डेट इज इक्वल टू 13+3/4 डे। तो ये हो गया इस तरीके से अपना कंप्लीट, ओके गाइस। तो ये थी हमारी आज की टीजीटी पीजीटी स्पेशल क्लास, ओके। और कैसी लगी आपको क्लास, क्या डाउट है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हमसे